स्वागत है। अगर आपने हमारे MNS News Live चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताजा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। धारणी में पटेल के समर्थकों ने मनाया जल्लोष। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद विधायक राजकुमार पटेल के समर्थकों ने बस स्टैंड के सामने पटाखा फोड़कर जल्लोष मनाया। इस समय रोहित पाल, अल्ताफ मेमन, गोलू खान, मुन्ना मालवीय, लाला महाराज, शेख मोहसिन, पूर्व नगर सेवक सलीम अजंत, शेख रफीक, दिनेश शनवारे, विजय जयकड़ू, डॉक्टर इमरान, साजिद शेख, जाहिर हुसैन आदि उपस्थित। वहीं अमरावती में कई बिखरे तो कुछ हर्षाए, बुद्धिजीवी ने दी कुछ कुछ दी अलग अलग राय। एक माह से जारी राजनीतिक खेल का मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार सरकार के विसर्जन के साथ लगभग समापन हुआ है। नई सरकार गठन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। वहीं नगर सेवक MIM के अल्फाज हुसैन ने कहा कि भाजपा का हवा मशन ढहा, महल ढहा। भाजपा ने अपने अधिकारियों का दुरुपयोग कर हवा में महल तैयार किया जिसे जल्द ही ढहना था। सत्ता हथियाने के लिए भाजपा किस हद तक जा सकती है, कैसे नियमों को तोड़ सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण सामने है। वहीं दूसरी ओर अमरावती में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना तीनों पक्षों ने एकजुट होकर 162 का शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान विजयी मुंद्रा के विधायक व कांग्रेस के प्रदेश कार्य अध्यक्ष एडवर्क यशोमती ठाकुर, उनके साथ विधायक प्रणीति शिंदे व कुणाल पाटिल ने सेल्फी ली है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS संदीप लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ, मेरे साथ। धन्यवाद।